हेलो दोस्तों, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो इस ब्लॉग का वीडियो देख के भी समझ नहीं पाती हैं। काफ़ी कमेंट्स आया हुआ है इस ब्लॉग में, यहाँ पे नहीं समझ पा रही हैं, यहाँ पे नहीं समझ पा रही हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे किस तरह से इसे जोड़े हुए हैं ये नहीं समझ पा रही हैं, दोनों जगह जो जोड़ पड़ा है ये नहीं समझ पा रही हैं। फिर किस तरह से गले को बनाए हुए हैं, गला साथ में है या अलग से है ये नहीं समझ पा रही हैं, यहाँ का डिज़ाइन में गड़बड़ा जाती हैं। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए हम इसे कई पार्ट में बनाएंगे, आपको अच्छी ढंग से बतला कर कई पार्ट में बतलाएंगे, और साइज़ में थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे। यहाँ पे ये हम आप लोगों को बतलाए हुए थे 80 फंदों से शुरू करना, और इस पर हम थोड़ा साइज बड़ा करेंगे 90 फंदा, यानी 91 फंदा से 91 फंदा से इसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो जिन बहनों को समझ में नहीं आया है उन बहनों के लिए ये वीडियो है। अब एक चीज़ और हम बतला दें, जो ये आगे तरफ से, यानी ये दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है, जैसा ये आगे में दिखता है उसी तरह ये पीछे भी है, क्योंकि इसे जो बनाया गया है वो ये दो पार्ट में बनाया गया है। ये जो आप देख रही हैं ये दो पार्ट में बनाया गया, यानी दो पीस में इसे बनाए हैं हम, एक आगे पल्ला के लिए एक पीछे पल्ला के लिए। ये जो बनाए हैं ये बाँह से शुरू किए हैं और इसे भी हम एक भाग में बनाए हुए हैं, ये पूरा आगे का पीछे का एक भाग में बनाए हुए हैं और एक भाग में ये बनाए हुए हैं। और इसके बाद हम इस पर गला अलग से बताए, यानी इसी में गला इसी में साथ में बुनाता है, लेकिन गला हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम बॉर्डर को जोड़े हुए हैं, जोड़ने के बाद बनाए, वो हम आप लोगों को धीरे धीरे बतला देंगे। तो चलिए, पार्ट वन में हम मात्र आप लोगों को ये चीज़ बतलाएंगे, ये जो आगे पल्ला और पीछे पल्ला का ये बॉर्डर है ये बॉर्डर बतलाएंगे, और पार्ट टू में हम आप लोगों को ये बतलाएंगे दोनों पल्ला, इस तरफ का दोनों पल्ला बतलाएंगे, और पार्ट थ्री में आप लोगों को हम गला अलग से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। तो जैसा कि अब हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ हम डिज़ाइन में यहाँ अंतर करेंगे। जैसे कि ये बॉर्डर, ये बॉर्डर बहुत ही सिंपल है, ये बॉर्डर तो हम बतला ही चुके हैं, इसलिए अब हम कुछ अलग, यानी इससे ही मिलता जुलता अलग बॉर्डर बतलाएंगे आप लोगों को इस ब्लाउज में, जो हम बतलाने जा रहे हैं उसमें अलग बॉर्डर बतलाएंगे। और देखेंगे यहाँ भी हम डिज़ाइन कुछ अलग बतला देंगे, अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन ही पसंद है, ये डिज़ाइन ही चाहती हैं तो कमेंट्स में बताएं, तो हम आप लोगों को इसी डिज़ाइन को फिर से बनाना बतला देंगे। तो फिर चलिए, इसका हम पहला पार्ट शुरू करते हैं बॉर्डर से। इसके लिए हम यहाँ पे सलाई 10 नंबर का सलाई लेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों की सुविधा के लिए इस कलर से बतला रहे हैं, ताकि आप लोगों को साफ साफ पता चले कहाँ कितना किस तरह से बुना गया है। और बॉर्डर जो हम बुन रहे हैं, ये देखिए 10 नंबर का सिलाई से बुनेंगे बॉर्डर। 3 प्लाई का हम ऊन लिए हुए हैं यहाँ पे, और 91 फंदा यहाँ पे हम डाल रखे हैं। ये फंदा डाल लेने के बाद अब हम पहला लाइन बुनेंगे बॉर्डर का। मात्र ये बॉर्डर दो लाइन का है, दो लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा बॉर्डर किस तरह से बुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को यहाँ तक तीन इंच, 3.5 इंच बतलाएंगे। इसके बाद फिर हम आप लोगों को, जैसा कि हम देखिए इस पे 80 फंदों से इस पे बतलाए हुए थे, ये 80 फंदा से बतलाए हुए थे, तो ये इससे हम कुछ बड़ा बतला रहे हैं ब्लाउज। तो यहाँ पे हम 91 फंदा लिए हुए हैं, तो ये चीज़ जो हम 3 इंच रखे हुए थे ये चीज़ हम 3.5 इंच रखेंगे। जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम यहाँ पर 0.5 इंच या 1 इंच इस तरह से चेंज करेंगे। तो ये 3 इंच था, 3.5 इंच हम करेंगे, 0.5 इंच ज़्यादा करेंगे हम। और बाकी इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो 11 इंच, जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है वो आपको टोटल हो जाएगा 11.5 इंच, 0.5 इंच आपको पड़ जाएगा यहाँ पे लंबाई। तो फिर चलिए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरह से हमें नहीं बुनना है सीधा, देखिए हमें इसे नीचे की ओर से लेना है। देखिए इस ढंग से हम ना लेकर इसे नीचे की ओर से लेंगे, ये इस ढंग से लेंगे, और फंदों को जब हम डालेंगे तो देखिए हम फंदा इस ढंग से डालेंगे, और इसे एक फंदा हम सीधा बुनें, सीधा फंदा इसी तरह से बुनेगा पूरे बॉर्डर में। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा जैसे बुनते हैं उसी तरीके से उल्टा हम बुन लेंगे।
अब फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और दो फंदा सीधा इसी ढंग से बुनेंगे। नीचे की ओर से सिलाई को डालेंगे और ऊपर की ओर से फंदा डालेंगे। देखिए, नीचे की ओर से इस तरह से सिलाई डालेंगे और ऊपर की ओर से फंदा डालेंगे और बुनेंगे। तो दो फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, एक और फंदा बुनेंगे इस ढंग से। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। दो फंदा सीधा हो चुका, एक फंदा उल्टा, फिर से दो फंदा सीधा बुनेंगे। जैसा कि हम बतलाएं, फंदे को, सिलाई को हम नीचे की ओर से डालेंगे और फंदे को ऊपर से डालेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पे प्रत्येक सीधा में इसी तरह से बुनना है। अगर उल्टा में भी हमें सीधा बुनना है तो हम इसी ढंग से बुनेंगे। तो इस तरह से हम बुनते हुए एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम एक लाइन दो सीधा एक उल्टा से कंप्लीट कर लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन रहेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख चुकी, दो सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मात्र कुछ फंदा बचा हुआ है, इसे भी हम बुन लेते हैं। अब दूसरी लाइन हमें कैसे करना है? दूसरा लाइन में जो सीधा है उसे सीधा उसी तरीके से बुनेंगे जैसा कि हम बतलाएं। नीचे की ओर से फंदा लेंगे, देखिए उल्टा है, उल्टा हम सिंपल तरीके से बुनेंगे। अब देखिए, सीधा बुनेंगे जब हम, तो सीधा हम नीचे की ओर से सिलाई डालेंगे और ऊपर की ओर से फंदे को लेंगे। ये बॉर्डर इसी पे निर्भर करता है, अगर इसमें जरा भी गड़बड़ होगा तो आपका बॉर्डर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। दूसरी सिलाई में हमें दो फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा बुनना है। ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से दो फंदा उल्टा बुनेंगे, उल्टा हम सिंपल तरीके से बुनेंगे। तो ये दूसरा लाइन हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। मात्र ये दो लाइन का ही डिजाइन है, यानी बॉर्डर डिजाइन है। तो चलिए दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे और कुछ ज़्यादा लाइन में बनाकर आप लोगों को दिखलाते हैं। इंच बनाकर कंप्लीट कर लिए। इसका जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक का है, ये 3.5 इंच है। बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। ये आप उल्टा और सीधा देख लें, जैसे कि ये सीधा तरफ का है, ये उल्टा तरफ का है। तो अगर आप उल्टा तरफ से घटा रही हैं तो बराबर आप उल्टा तरफ से ही आपको घटाना है और सीधा तरफ से पूरा प्लेन बुन लेना है। तो चलिए हम उल्टा तरफ से इसे घटाते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, ये दो फंदों को एक साथ बुनना है। ये दो फंदा हम ले लिए, ये दो फंदों को एक साथ बुन लेना है इस तरीके से। इसके बाद जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे। जैसे ये उल्टा है, उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे और जैसा हम बतलाएं सीधा बुनने, उस ढंग से हम यहाँ पर बुनेंगे। चलिए हम इसे आप लोगों को एक लाइन बताते हैं कि फिर लास्ट में किस तरह से घटाना है। इसी तरह से हम दो पल्ला तैयार कर लेंगे। ये तो भी एक बन रहा है, एक और सेम तरीके से हम बना लेंगे।
तो चलिए हम इसे इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक बुनकर ले आते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट तीसरा लाइन पे आए हैं। तीसरा फंदा यहाँ पे देखिए दो फंदा बच गया है। अब इन दो फंदों को हम एक कर लेंगे। तो एक हम यहाँ पे घटाएं, इस जगह पे एक घटाएं, इस जगह पे, और दूसरा हम यहाँ पे घटा रहे हैं। ये हो गया। अब हमारा दोनों तरफ से एक एक फंदा कम हो गया, घटना शुरू हो गया हमारा। जैसे कि यहाँ एक फंदा कम हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसे हम पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी बुनते चले जाएंगे। इस लाइन में हमें कहीं भी नहीं घटाना है। देखिए इस तरीके से एक लाइन बुन लेंगे, सिर्फ हम उल्टा तरफ से ही घटाएंगे। अब देखिए अब हमारा ये लाइन उल्टा लाइन कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि हम बताएं उल्टा में हमें कहीं भी नहीं घटाना है, ठीक इसी ढंग से बुन लेना है। अब देखिए अब ये सीधा तरफ का दूसरा लाइन है और उल्टा तरफ का दूसरा लाइन है। देखिए अब हमें फिर से यहाँ पे घटाना है, तो इस तरह से हम लेंगे दो फंदों को एक साथ और इसे इस तरीके से घटा लेंगे। अब देखिए जो उल्टा है वहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे, ये उल्टा है हमारा, उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये सीधा है सीधा बुनेंगे, फिर दो उल्टा है दो उल्टा बुनेंगे। देखिए आपका यहाँ पे घटना शुरू हो गया, ये घटना साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसी तरीके से हम इस तरफ भी घटाते चले जाएंगे। तो जब भी हम घटाएंगे दोनों तरफ से दो दो फंदों को इस तरह से। देखिए इसे हम 12 इंच, 11.5 बुनना था लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया है 12 इंच, आधा इंच ज़्यादा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 इंच लंबाई, आधा इंच आपको यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। 12 इंच हम तैयार कर लिए और सिलाई पे हम फंदे छोड़े हुए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 13 फंदा हम सिलाई पर छोड़े हुए हैं। तो इस तरह का हम दो पीस बना लेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक पीस बनकर तैयार हुआ है। देखिए घटाएं तो कुछ इस तरह का आपको देखने में लगेगा, ये इस तरह से। देखिए ये कुछ डिजाइन आपको बॉर्डर का इस तरह से आएगा। जब ये पहनने के बाद इसमें डिजाइन जो खिल कर आता है काफ़ी प्यारा लगता है। तो इस तरह से हम यहाँ दो पीस तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में मात्र हम इसे ही बतला रहे हैं। आगे आप लोगों को अगला वीडियो में हम आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे एक अलग डिज़ाइन के साथ, ये बनाना बतलाएंगे एक अलग डिज़ाइन के साथ। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।